तो यहाँ पे हो गई है पोलर की पैकिंग। मैंने इसका डॉग फूड डाला है और इसके कुछ टॉयज रखे अंदर। ये वाला टॉय इसका फेवरेट हो गया है। नहीं, ये बैग में डालना है, बैग के अंदर जाएगा ये। और ये वाला, ये भी इसको बहुत पसंद आ रहा है। ये वाला देखो कैसे रोता है अपने टॉय के लिए। और ये फूड भी इसका इसमें रख रही हूँ, एक बाउल रख रही हूँ, नहीं दो बाउल रखने पड़ेंगे, एक वाटर के लिए और एक फूड के लिए। और ये बेडशीट इसके लिए ही है, गाड़ी में रखूँगी इसे क्योंकि कई बार ना ये वॉमिट कर देता है गाड़ी में। और इसमें न्यूज़पेपर लेके जा रही हूँ, ये भी मैं गाड़ी में रखूँगी इमरजेंसी के लिए। एक नैपकिन रख रही हूँ। चलो पोलर बचपन में पोलर को हम इसमें लेके आए थे, इसके अंदर बिठा के लाए थे। फर्स्ट टाइम जब हम चंडीगढ़ से इसको लेके आए थे तो इस बैग में लेके आए थे। और अब उसके बाद अभी जा रहा है, बीच में ये बिल्कुल नहीं गया अपने घर वहाँ। देखो उसमें अभी भी जा रहा है, अंदर घुस रहा है पोलर। इसमें बिठा के लाए थे हम, देखो इस पर नेट लगी हुई है, यहाँ से हवा आती रहती है। इसमें लेके आए थे हम पोलर को, इसमें। अब हम इसमें इसका सामान लेके जा रहे हैं और ये गाड़ी में बैठेगा। और ये इसकी चादर है और ये इसकी न्यू लीश थी जो इसको बर्थडे पे ली थी, ये भी हम इसको अभी लगाएंगे। और मैं अपनी पैकिंग भी कर लेती हूँ। मैंने सारे कपड़े निकाल के रखे हैं, बस बैग में डालने हैं। आदित्य ने अपना बैग बना लिया है। चलिए तो जल्दी करती हूँ। तो ये मेरी ड्रेसेस हैं, सारी मिक्स हैं, अभी मैंने डालते टाइम अलग अलग करूँगी। और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि हम 3-4 डेज़ के लिए ही जा रहे हैं। और ये मेरी किट है, ये सब मैं अभी इसमें डालती हूँ। अटैची भी हम छोटी वाली लेके जा रहे हैं। और ये पर्स है, ये ना मैं अपनी सासू माँ के लिए लेके जा रही हूँ। और इसका ये मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं ये वाले पर्स इसका मैं रिव्यू दूँगी किसी दिन, ये वाले ब्रांड का। और अपने लिए भी लिया था मैंने, देखो अपने लिए भी ऑर्डर किया है। तो मैं एक दिन इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी इनका। तो मैंने लॉकडाउन में बड़े टाइम से ना पर्सेस नहीं ले रही थी और पुराने पर्सेस हो चुके थे मेरे, तो इनका एक दिन में अपने जो मैं जो ब्रांड यूज़ करती हूँ पर्सेस की, वो वाला उसका मैं रिव्यू दूँगी। और ये बेडशीट है, मम्मी डैडी के लिए ली है ये मैंने, अपने लिए एक दिन हम लोगों ने बेडशीट ली थी तो एक उनके लिए भी लिया है। एक ये डाल रही हूँ, तो चलिए फिर डालना स्टार्ट करती हूँ, पैकिंग करना शुरू करती हूँ। सो फाइनली गाइज हम रेडी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, जबकि हमें निकलना था 7 बजे, तो निकल ही जाना चाहिए था। और अभी 8:30 होने वाले हैं। फिर मेरे से रात को ना पैकिंग नहीं हो पाई थी, तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही थी। और अब विनोद नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं और अभी हम निकलते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ आपको, बस निकल रहे हैं। और एडी घर में रह रहे हैं, वो मैं आगे बताऊँगी आपको वो क्यों घर में रुक रहे हैं। तो बस अब निकलते हैं, बहुत मुश्किल से पूरा पैक किया। तो ये देख लो गाइस, पोलर की सीट बिछा दी गई है अच्छे से, पर अच्छे से बिछा नहीं पाए हम। ये बहुत ज़्यादा उधम मचा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है ना, तो ये थोड़ी इसने अच्छे से लगाने ही नहीं मिलते क्योंकि ये विंडो से बाहर भी निकल जा रहा था, डोर से बाहर, सॉरी। तो इसलिए ना अच्छे से नहीं बिछा पाए। देखो चादर बिछा दी है और ये न्यूज़पेपर, क्योंकि एक बार उसने वॉमिट कर दिया था गाड़ी में। तो बहुत ज्यादा वो कर रहा था बाहर निकलने, बोलो बोलो को लेकिन अच्छा भी लग रहा है। हम लोग काफ़ी लेट हो गए निकलने के लिए, बट मुझे लगता है मौसम ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा धूप नहीं आएगी। थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी लग रहा है। और एडी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको ना कुछ तैयारी कर रहा है वो, तो उसको स्टडी करनी थी। तो वो कहता मम्मा मेरे को यहाँ पर रह के एकदम दूसरी जगह पर जाके मैं नहीं कर पाऊँगा उतना कॉन्सनट्रेट, तो इसलिए नहीं आया वो। तो रुक गया है, तो
उसके लिए सपना है ना, उसकी सिस्टर जो है वो खाना वगैरह बना दिया करेगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. चला जा रहा है इन लोगों को मिलने के लिए और पापा को पारियां करके आ जा रहा है। ये देखो बॉलर, कहां जाने आपको, आ जाओ ऊपर सीट पे। अब इसको ठीक लग रहा है, अब ये कंफर्टेबल है। वही पोलर का टॉय ने चू किया, कहां गया पोलू का टॉय? पोलू का टॉय कहां चले गए? टॉय टॉय पोलू का टॉय कहां चू की उसने गाय? मम्मा में लटाए गाय, अभी देती हूँ। अभी एक पोलर का फेवरेट टॉय निकालती हूँ यहाँ से। आई आई मैं नीचे नहीं झुक सकती, मुझे अजीब सा लग रहा है नीचे देखने से। ये लो पोलर का टॉय मिल गया, पोलू का टॉय मिल गया। ये ले लो ले लो ले लो, खेलो अपने टॉय के साथ। लो पोलर का फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव है ना, जब से ये मतलब आया भी है लॉन्ग ड्राइव से था, जब हम इसको लेके आए थे फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ से, इसको पंजाब से लिया था जलंधर से पोलर को हमने, और फिर जब हम यहाँ आए थे गुड़गांव तब फर्स्ट इसका लॉन्ग ड्राइव था, तब तो ये बहुत ही बच्चूशा था, चूँ चूँ करता हुआ आया था मेरे हैंड में गोदी में, चूँ 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 करता रह रहा था। और अब पोलर की ये सेकेंड लॉन्ग ड्राइव है, तो अभी पोलर को थोड़ा सा गाड़ी से निकाला है, इसको शुशु पोटी जो भी करना होगा, क्योंकि जब ये ट्रेवल करते हैं ना तो इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद शुशु वगैरह कराना पड़ता है। टाइटली होल्ड करना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. भाई पोलर तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है इतनी ओपन एरिया देख के। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. देखो गाइस पोलर आगे आगे चला गया, इनके पास बैठ गया, अपने आप ही चला गया आगे। तो बीच बीच में ना इनके पास चला जा रहा है, इनको पारियां कर रहा है। मतलब अजीब ही है। हाँ सनग्लासेस लगा के तो बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा बाहर धूप है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ये देख, तो गाइस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट या ब्रंच क्या है जो भी है 11 बजने वाले हैं, तो उसके लिए अब रुकेंगे। पता नहीं पोलर के साथ हम कैसे ब्रेकफास्ट करेंगे। अरे ये अंकल तो पिछली बार भी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और नवनीत गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि पोलर के पास एक जने को रुकना पड़ता। मैं और आदवी कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हमने आदवी के लिए मसाला डोसा ऑर्डर करवाया और मैंने अपने लिए आलू का पराठा, तो अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आदवी कभी पहाड़ी गाना चल रहा है, बहुत अच्छे गाने गाते हैं ये दोनों मिलके, गोपाल शर्मा और आचार्य आचार्य करके, बहुत ही अच्छे, इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं उनके हिमाचली गाने, मतलब मैशअप करते हैं, बीच में फिल्मी गाने भी बीच में डालते हैं और पहाड़ी गाने भी। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं, बस 5 मिनट्स की डिस्टेंस पे है हमारा घर, हम टर्न ले रहे हैं अपने घर के लिए।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे और पहुँचे जब थे तो उस टाइम शूट नहीं कर पाई थी मैं और फिर काफ़ी थक गए थे। लंच किया और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और अभी इवनिंग टाइम हो रहा है, चाय का टाइम हो रहा है। तो अभी ना चाय पीने के लिए आज तो नीचे ही है सब कुछ, मम्मी डैडी हैं आजकल घर में, मेरी देवरानी और बच्चे सब गाँव गए हुए हैं, तो अभी नीचे चाय बनेगी और ऊपर हमारा देख लो ये है, ये हमारा बेडरूम है, पहले दिखा चुकी हूँ मैं। और अब ना मैं पूजा आज थर्सडे के, मैंने थर्सडे को मैं बाबा जी का पाठ करती हूँ ना, वो नहीं कर पाई थी। ये सारे कमरे मम्मी ने सेट रखे हुए हैं एकदम, देखो हमारे ऊपर हम लोग रहते हैं, रखे हुए हैं, सारा घर साफ़ सुथरा पड़ा है हमारा, ज़्यादा सामान नहीं रखा है मैंने इधर। ये मेरी किचन है, अभी लाइट्स ऑफ है, मैं ऑन भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ना पाठ करने वाली हूँ बाबा जी का। और ये यहाँ पे हमने छोटा सा ऐसे मतलब बाबा जी की और शिव जी की माता रानी की फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, तो मैंने थोड़ा अगरबत्ती लगा दी और मैं अभी पूजा थोड़ा पाठ करना था, मुझे लेट हो गई हूँ जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। आज हम मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे ना, नहीं कर पाई थी, तो ये सब करती हूँ और फिर नीचे जाती हूँ, नीचे चाय पियेंगे हम और मम्मी डैडी को भी दिखाऊंगी बाद में। पोलर को देखो, तो चलिए मैं अभी पाठ कर लेती हूँ।